गुरुवार को यादव समाज से जुड़े एक संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल इस संगठन ने जेल में बंद यादव समाज के एक व्यक्ति की मौत की जांच के मामले में ज्ञापन दिया, जबकि यादव समाज के ही एक अन्य वरिष्ठ और प्रदेश कांग्रेस सचिव ने इस मामले को समाज से दूर और भाजपा की साजिश बताया है। बताया जा रहा है कि हेराफेरी और धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद सुरेश यादव की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इस मामले में अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले मौत के कारणों की जांच और दोषियों पर कार्यवाही को लेकर ज्ञापन दिया गया। मामला यह है कि हमारे समाज के जो वरिष्ठ नेता थे सुरेश यादव जी, उन पर कोई प्रकरण दर्ज हुआ था, उस संबंध में उनका जेल वारंट काटा गया। कोर्ट में इस पर लिखा था कि इनकी तबीयत, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनको अस्पताल में भर्ती किया जाए। जेल प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण उनका इलाज नहीं हुआ और जेल के अंदर ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था थी ना कोई दवा की थी, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और वहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी थे उन्होंने तब प्रताड़ित किया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और उनकी हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई। यादव समाज जो आज ये ज्ञापन दे रहा है यादव महासभा की ओर से, हम ये मांग करते हैं उन अधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री जी से भी कर दी है फ़ोन के माध्यम से, और आने वाले समय में यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री जी 28 फरवरी को गाँव में इंदौर के राव जाएंगे और यादव समाज का पूरा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। देखिए, ये जो आज मामला अभी मुझे आपके द्वारा पता चला कि कुछ लोगों ने एक मैसेज चलाकर एक मामले में ज्ञापन देने गए थे और यादव समाज के नाम का उपयोग किया गया, ये बहुत गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यादव समाज कड़ी निंदा करता है कि एक ऐसा संगठन जिसका कोई वजूद नहीं है मध्य प्रदेश में ना इंदौर में, और उसके जो कर्ता धर्ता उन पर खुद आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उनके परिवार के लोग रासुका में निरुद्ध हो चुके हैं, वो लोग यहाँ एक ऐसे मामले में ज्ञापन देने जा रहे हैं जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो न्याय तो एक व्यक्तिगत मामला है, जो भी घटना हुई है वो दुखद है और उसमें न्याय व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई हो रही है, लेकिन भाजपा के कहने पर भाजपा के लोगों के साथ मिलकर कुछ लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को घेरें और हमारे गृह मंत्री को घेरें, मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाएं और यादव समाज के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का लगातार पर्दाफाश किया जाएगा। इस घटना से और इस ज्ञापन से यादव समाज का कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोग जो अब सिर्फ ज्ञापनबाजी करते हैं अपना महत्व दिखाने के लिए ऐसी घटनाओं को ले जाके ये दर्शाते हैं, लेकिन वो सरकार के विरुद्ध जाती हैं और इनकी कोशिश रहती है कि भाजपा के कहने में आकर इस तरह के कार्य को करें और यादव समाज का नाम खराब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।